नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इवेंट में शुक्रवार को कहा, आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था, चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, कोई असर नहीं होता था। ऐसी स्थिति उस समय सरकार की थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था या कहें तब की सरकार ही हैंग हो जाने वाले मोड़ पर थी। हालात तो इतना बिगाड़ चुकी थी, स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं था, बैटरी चार्ज करने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फ़ोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वह भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फ़ोन के इम्पोर्टर थे, आज मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्टर हैं। पीएम ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया। इवेंट में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी, एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी शामिल हुए। इस साल IMC का यह 7वां एडिशन है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।